प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम स्कूल ग्रुप ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत। और हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफी से संबंधित। देखिए, हमने लास्ट कक्षा में बात की थी विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में, और एस्किमो जनजाति के बारे में हम विस्तृत रूप से अध्ययन कर रहे थे। और उसके अंतर्गत एस्किमो जनजाति के अंतर्गत हमने देखा था उसका निवास क्षेत्र, उसके बाद में आर्थिक क्रियाकलाप, आर्थिक क्रियाकलाप में अखेड़ देखे थे कितने प्रकार के थे, बसंतकालीन और शीतकालीन। उसके बाद में भोजन संबंधी बात की, कच्चा मांस खाते हैं, वस्त्र संबंधी बात की कि विवस्त्र कैरिबो की खाल से, कैरिबो की खाल से, कैरिबो बाहर है सिंगा की खाल से बने होते हैं, और ध्रुवीय भालू की खाल से भी बने होते हैं। यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग किया गया स्मूर, तो इसका अर्थ क्या है, खाल। उसके बाद में हमने देखा था यंत्र व उपकरण की बात की, कौन कौन से यंत्र थे, कयाक, उमियाक, ये छोटी नाव थी, उमियाक क्या थी, बड़ी नाव जो व्हेल मछली के शिकार के लिए काम में ली जाती है, हार्पून, भाले की बात की थी जिससे एस्किमोज लोग क्या कर रहे हैं, शिकार करते हैं। फिर उसके बाद में स्लेज गाड़ी की बात की, और इस गाड़ी को कौन खींचते हैं, कुत्ते व रेंडियर खींचते हैं, इनके बारे में देखा था। और इसके अंतर्गत एक रह गया था अपना मकान। अब हम एस्किमो लोगों के जो मकान बने होते हैं उन पर डिस्कस करेंगे। देखिए, एस्किमो लोगों के जो मकान बने होते हैं वो बर्फ वह हड्डियों से, और हड्डियाँ किसकी, सेल मछली की, व्हेल मछली की, वालरस मछली की, इन मछलियों की हड्डियों से और लकड़ियों से, लकड़ी भी काम में लेते हैं मकान बनाने के लिए। और शीतकाल की बात करें, शीतकाल के अंतर्गत जो मकान बने होते हैं किसके द्वारा, बर्फ के जो मकान होते हैं एस्किमो लोगों के, उन मकानों को क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं, क्या कहते हैं, इग्लू। बर्फ़ के जो मकान होते हैं शीतकाल के अंतर्गत उनको क्या कहते हैं, इग्लू। और ये इग्लू क्या होते हैं, किस प्रकार की संरचना होती है, ये देखिए इस प्रकार से। इसकी जो भूमिगत गहराई है 5 से 6 फीट मिलेगी आपको, और 2 से 3 फीट ऊपर की ओर ऊंचाई मिलती है, मतलब इसकी गहराई क्या मिलती है, अधिक मिलती है। ये सुरंग के रूप में बनाया होता है। अगर हम बात करें कि लकड़ी व वालरस जो मछली है उसकी हड्डियों से बने हुए जो मकान होते हैं उनको क्या कहते हैं, कर्मक कहते हैं, क्या कहते हैं, कर्मक। तो मकान में हमने 2 तरीके के मकान देखे हैं, एक कर्मक और एक है इग्लू। अगर किसी दूसरे क्षेत्र में शिकार करने के लिए ये लोग जाते हैं तो उस समय, ग्रीष्म काल की बात कर रहे हैं शिकार करने के समय, तो उस शिकार के दौरान क्या करेंगे, ये तंबू बनाते हैं, क्या बनाते हैं, तंबू बनाते हैं, और कुछ समय के लिए वहीं निवास करते हैं, और शिकार करने के बाद में ये अपने घरों में वापस लौट जाते हैं। तो ये मकान संबंधी है। तो इस प्रकार से हमने देखा है कि आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत क्या क्या चीज़ है, अखेट, भोजन, वस्त्र, उपकरण और मकान। अब इसके बाद में एस्किमो जनजाति की जो समाज व संस्कृति की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में देखेंगे कि इनके समाज में क्या क्या चीज़ें
प्रचलित है समाज व संस्कृति। देखिए ऐसे लोगों के जो सामाजिक विशेषता पाई जाती है, ये देखिए छोटे छोटे समूहों में निवास करते हैं और इनका जो समाज है वो क्या है, पितृवंशीय समाज है। क्या है? पितृवंशीय समाज है। पिता की इसमें क्या होती है, समाज के अंतर्गत प्रधानता होती है, पुरुष की प्रधानता होती है। और ये जो लोग हैं इनमें एक प्रथा प्रचलित होती है, बहु पत्नी प्रथा। इसके अंतर्गत एसिकमो जनजाति के लोगों में बहु पत्नी प्रथा जो होती है वो प्रचलित होती है। इसके साथ साथ में हम बात कर रहे हैं, जैसे हमारे उत्सव और त्यौहार आते हैं और हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, वैसे ही ये लोग भी क्या करते हैं, अपने उत्सव व समारोह को बड़ी धूमधाम से बनाते हैं। और इनमें क्या होता है, जादू टोना। क्यों? प्राचीन काल के लोग हैं तो जादू टोना मतलब अंधविश्वास अधिक पाया जाता है इनके अंतर्गत। एसिकमो जनजाति के लोगों में अंधविश्वास अधिक पाया जाता है, ये जादू टोनों का प्रयोग करते हैं। इनकी जो भाषा होती है एसिकमो लोगों की, वो कौन सी भाषा होती है, एल्यूट। क्या होती है? एल्यूट भाषा होती है। याद रखना, एसिकमो लोगों की जो भाषा होती है वो कौन सी भाषा होती है, एल्यूट भाषा होती है। और कई बार क्या होता है, शिकार अधिक समय तक करते रहते हैं लेकिन क्या होता है, भोजन की प्राप्ति इनको नहीं हो पाती है। अधिक लंबे समय तक क्या है, भूखे रहते हैं। तो जो बूढ़े लोग होते हैं उनको भूख सहन नहीं होती है। बूढ़े लोग, इनको भूख सहन नहीं होती है अधिक समय तक, इसलिए ये बूढ़े व्यक्ति क्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि खाने के लिए कुछ होता नहीं है और न होने के कारण क्या है, ये लोग क्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। अब इसके बाद में हमने तीन क्षेत्र देख लिए, इसके चौथे की बात करेंगे, वातावरण व समायोजन। वातावरण समायोजन की बात करें तो एसिकमो जनजाति जिस प्रकार से कठोर जलवायु वाले प्रदेश में निवास करती हैं, निम्न तापमान वाले, अधिक लंबी शीत ऋतु वाले क्षेत्र में निवास करती हैं, तो निवास करने के साथ में ये एक अपना उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। देखिए हम जो लोग हैं, हम लोग ऐसे क्षेत्रों में निवास नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो शारीरिक संरचना है, हमारी जो कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी इन्वायरमेंट के अनुकूल है। लेकिन ये लगातार कुछ वर्षों से, विगत हमने देखा था कि हजारों वर्षों से ये वहाँ रह रहे हैं, तो ये इनके लिए जो क्लाइमेट है वो अनुकूल है। तो ये एक अच्छा उदाहरण है, एक अलग सा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं विश्व में, एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। और साथ साथ में देख रहे हैं कि समायोजन के लिए ये घर भी बना रहे हैं, जैसे हमने बात की थी इग्लू की, है ना, इग्लू की बात की थी थोड़ी देर पहले। ये भी एक बहुत बड़ी विशेषता है कि ये बर्फ़ के मकान बनाते हैं और उस मकान में निवास करते हैं। उसके बाद में हमने देखा था कि परिवहन के लिए इन्होंने स्लेज गाड़ी का भी प्रयोग किया, मतलब क्या स्पष्ट हो रहा है। और इसके बाद में अगर हम ये भी देखें, जैसे याद रखना कि सूर्य की किरण अगर बर्फ़ पर पड़ेगी, सूर्य की किरण बर्फ़ पर पड़ेगी तो यहाँ से तेज़ प्रकाश उत्पन्न होगा, यहाँ से तेज़ प्रकाश उत्पन्न होगा, जिससे क्या होता है, हम अगर उसको देख लेते हैं तो हमारी आँखों के लिए वो क्या होगा, नुकसानदायी होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये लोग आँखों के लिए कवच बनाते हैं। तो इस प्रकार से इन्वायरमेंट को अपने अनुकूल बना रखा है और अपने स्वयं को इन्वायरमेंट के अनुकूल बना रखा है। इसी का हम अध्ययन कर रहे हैं वातावरण व समायोजन के अंतर्गत। अब हम बात कर रहे हैं लास्ट टॉपिक अपना, कि भी
आधुनिक जो संस्कृति है जिसके अंतर्गत हम निवास कर रहे हैं, आधुनिक संस्कृति से संपर्क कैसा है। आधुनिक संस्कृति की बात करेंगे तो आधुनिक संस्कृति के अंतर्गत देखिए इनका जो क्षेत्र था वो आपको याद है। इनका क्षेत्र कौन सा था? अलास्का का क्षेत्र था, कनाडा का क्षेत्र था, ग्रीनलैंड का क्षेत्र था और साइबेरियाई क्षेत्र था। इस प्रकार से ये क्षेत्र था, ये यूएसए, कनाडा और अलास्का, ये क्षेत्र थे तीन प्रमुख। 1960 के पश्चात की बात करें तो 1960 के पश्चात में इनका जो संपर्क बढ़ा है किनसे बढ़ा है? इनका संपर्क बढ़ा है यूरोपीय लोगों से, इनका संपर्क बढ़ा है अमेरिकी लोगों से। साइबेरिया क्षेत्र में जो निवास करते हैं इस प्रकार से, तो इनका तो संपर्क बढ़ा है यूरोपीय लोगों से और इनका संपर्क बढ़ा है अमेरिकी लोगों से। और संपर्क बढ़ने के साथ साथ में क्या हुआ है, क्या परिवर्तन आया है कि जैसे ये हार्पून जैसे भाले का उपयोग करते हैं तो वर्तमान में ये किसका प्रयोग करने लगे? अग्न्य शस्त्रों का, अस्त्रों का प्रयोग करने लगे हैं। हार्पून की जगह ये नए नए यंत्रों का प्रयोग करने लगे हैं। इसके साथ में जैसे स्लेज गाड़ी की बात कर रहे थे तो स्लेज गाड़ी जो कुत्ते व रेंडियर खींचते थे उनकी जगह किसने ले ली? स्नो स्कूटर जो बर्फ में चलते हैं। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। धीरे धीरे आधुनिक जो संस्कृति है उनके साथ में क्या है, ये संपर्क में आ रहे हैं। और इन्हीं संपर्क में आने के कारण क्या है कि ये जो शिकार करते हैं और सील मछली से इनको जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उनका ये धीरे धीरे अमेरिकी और यूरोपीय लोगों से व्यापार करना भी शुरू कर दिया है। तो ये हमारे को स्पष्ट हो रहा है कि आधुनिक संस्कृति में किस प्रकार से इनका संपर्क बढ़ा है। और अमेरिकी सरकार द्वारा क्या है, अमेरिकी सरकार द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि ताकि इनका जो जनजीवन है वो आधुनिक संस्कृति में परिवर्तित हो जाए, इनका जो भरण पोषण है, इनका जो जीवन यापन है वो एक अच्छा जीवन यापन हो। जो प्राचीन काल में ये निवास कर रहे हैं, आदिम ढंग से निवास कर रहे हैं, तो उसकी जगह ये नई जो संस्कृति आई है वो संस्कृति अपनाएं। और इसी के कारण क्या हुआ है, इसी के कारण विगत कुछ समय में देखें तो एस्किमो लोगों की जो जनसंख्या है उस जनसंख्या में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अगर हमें स्वास्थ्य संबंधी, भोजन संबंधी, परिवहन संबंधी इन सुविधाओं को हम अगर लाभ उठाएंगे इन सुविधाओं का, तो ये बिल्कुल सत्य है कि हमारा जो जनजीवन है बिल्कुल आरामदायक व्यतीत होगा। अब जो प्राचीन ढंग से लोग जीवन निर्वाह कर रहे हैं उनका जीवन इसलिए कष्टदायी है कि उनको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है। और आधुनिक संस्कृति में क्या है, नए नए तकनीकी विकास हो रहा है और तकनीकी विकास के दौरान क्या है, मनुष्य एक स्थान पर पूरे विश्व की सैर कर सकता है, चाहे वो किसी के माध्यम से सैर करे, है ना। तो इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि लगातार अमेरिकी सरकार के द्वारा प्रयास कर रहे हैं और आशा करते हैं कि 21वीं सदी के अंत तक या आगे के समय में ऐसी जनजाति लोग आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे आधुनिक संस्कृति में परिवर्तित हो जाएंगे और ये सिर्फ क्या रहेंगे, एक इतिहास बनकर रह जाएंगे ये लोग। तो हमने देखा है इसी एस्किमो जनजाति के बारे में विस्तृत अध्ययन किया है और इसके अंतर्गत आप ये देखना, नोट्स बनाना, छोटी छोटी जो परिभाषाएं हैं, छोटी छोटी जो शब्दावलियां हैं उनको क्या कहते हैं। हो सकता है एस्किमो जनजाति का निवास क्षेत्र 2 नंबर का पूछ लिया जाए, हो सकता है अखेट से संबंधित पूछ लिया जाए, हो सकता है इतरुपाक और माउपाक में अंतर स्पष्ट कीजिए ये पूछा जा सकता है। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, आपको अच्छी तरीके से देखना है कि कौन कौन से प्रश्न बनेंगे और लगातार आप नोट्स बनाते रहिए। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो रिप्लाई कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।